अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी स्ट्रीट स्टाइल पकौड़ाज। हम जो बारिशों में जो है वो मंगवा के खा रहे होते हैं बड़े ज़बरदस्त से जमीयत से, वो हमने आज बनाने हैं। मैं आज आपको उसका सीक्रेट बताऊँगी। बहुत सिंपल से हमारे पास मसाले रखे हुए हैं, लाइक धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च, कुटी मिर्च, हल्दी, नमक, बहुत सिंपल से। अदरक हमारे पास जाएगी, मिर्चें जाएंगी ग्रीन, और इसके अलावा से लहसुन और ऑब्वियसली आलू। आलू हमने काट देना है, बहुत सख्त किस्म का आलू था या शायद मेरे हाथों में जान नहीं थी, लेकिन आलू जो है वो कट चुका है। आलू के हमने जो है वो मोटे मोटे से स्लाइसेस कर लेने हैं लाइक दिस। आपको मैं चेक भी करा देती हूँ इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, वैसे आप अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी अच्छी लगती है स्टैंडर्ड। स्लाइसेस जो हैं वो सारे के सारे हो चुके हैं हमारे पास कंप्लीट, और ये जो है ये दो बच गए थे, ये शायद ये फिर जो छुपे हुए थे। कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसको हमने डालना है एक बोल में, एक पतीली में, किसी भी चीज़ में आप डाल सकते हैं। चिल पानी में इसको डाल के थोड़ी देर हमने रख लेना है। प्लस इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे अराउंड 1 to 2 tablespoons ऑफ सॉल्ट, विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, लेकिन कर दें तो बेहतर है मेरा ख्याल है। इसको हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स, भिगो के थोड़ी देर रख लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, अराउंड 8 मिनट्स आपने इसको खोलते हुए पानी में डाल देना है इन आलुओं को। उसके बाद आपने क्या करना है जी, हमने ले लेना है ड्राई इन्ग्रीडियंट्स ले लेने हैं। इसमें ऑब्वियसली बेसन जाएगा, बेसन की क्वान्टिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, और इसमें जो मसाले थे ये हमने उठा के डिश डाल दिए। मसाले डालने के बाद हमने इसमें क्या करना है, पेस्ट डाल देना है जिंजर गार्लिक प्लस ग्रीन चिलीज़ का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत क्लासी किस्म का टेस्ट देगा ये आपको। अच्छे से इसको पहले खुश्क फॉर्म में ही आपने क्या करना है, मिक्स कर लेना है बहुत अच्छा सा। प्लस पानी आपने बहुत आराम आराम से डालना है, क्योंकि इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। प्लस आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, और बहुत थिक सी कंसिस्टेंसी वाला जो है आपने बैटर जो है वो तैयार कर लेना है। अभी हमने क्या करना है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा और पानी जाएगा। इसमें हमने थोड़ा सा पानी और ऐड कर देना है, और है अभी नहीं किया, ओके अभी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ शायद। ये आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा अभी थिक तो है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा थिक है, इसको हमने मज़ीद थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा ज़्यादा थिक है। अब भी मुझे लग रहा है कि ये सेट हो जाना है इंशाल्लाह। ये हो चुका है तैयार। अब आप लोग इसकी जो है थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये थोड़ा स्लरी भी है और थोड़ा सा थिक भी है, तो ये चलेगा। ये हो चुका है कंप्लीट। फिर भी अगर आपको लगे कि थोड़ी मिक्सिंग ज़्यादा करनी चाहिए तो आप लोग कर लें, आप अपने हिसाब से उसको देख लें। मिक्सिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और ये आप, ये दिस इज़ नाउ कम्प्लीटली रेडी। ओके, आलू हमने डाल दिए थे खोलते हुए पानी में अराउंड 8 मिनट्स, और इसको हल्का सा आपने क्या करना है, पैट ड्राई करना है। साइड वाइज मैं तैयार कर रही हूँ बड़ी मज़ेदार सी दूध वाली रोटी, और इसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। इतना ख़ास नहीं है कुछ, सिंपली आटा जो है वो दूध से गूंद लेना है, थोड़ी सी चीनी डाल देनी है। आलू हमने पेट ड्राई करने के बाद आप देख लें कि इस तरह से फुली घना घना आपने जो है इसके ऊपर जो है वो क्या बोलते हैं इसको, बेसन जो है इसको आपने अच्छे तरीके से कोट कर देना है, और खोलते हुए आपने जो है ना ऑयल में इसमें इसको डाल देना, बिकॉज़ खोलते हुए ऑयल में इसलिए कि ये पका हुआ तो है ही, लेकिन आपने इसको जस्ट थोड़ा सा मज़ेदार सा कलर देना। एंड ये देखें, ये हमने सारा डाल दिया है, फर्स्ट बैच हमारा जी आने वाला है, एंड टन टन, एंड ये हमारा फर्स्ट बैच जो है आ चुका है। साइड वाइज हमारी टिपिकल बहू टाइप गोल मटोल फूली हुई रोटियां तैयार हो रही हैं, एंड दिस वॉज इट। बहुत यमी लगता है। आई नो पकौड़ा साउंड मच बेटर विद ग्रीन चटनी, बट इस वक्त ना तो मेरे पास पुदीना था और ना मेरा सांस लग रहा था। वील इन्जॉय इट विद सम चिली गार्लिक सॉस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा, और बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।